नमस्कार, मां बच्चा में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉकर्स के बारे में। बच्चों को वॉकर्स किस एज से देना चाहिए, कुछ जरूरी टिप्स हैं जो कि वॉकर देने के पहले आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस देखिए, मैंने अपनी दोनों बेटियों को वॉकर दिया है 8-9 महीने की एज में। कई लोग बोलते हैं वॉकर को यूज करना, वॉकर देना बच्चे को सेफ नहीं है। देखिए सेफ है, लेकिन कुछ हद तक की। पहली चीज को आपको पूरे दिन भर के लिए बच्चे को वॉकर पे नहीं बिठाना है, क्योंकि बच्चा उस पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा जितना कि वो फ्लोर पे रहेगा। दूसरी चीज, एक पर्टिकुलर एज जब आ जाए बच्चे की, तभी आपको वॉकर देना है। जैसे 6 महीने का बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है, वो अभी सही से बैठ नहीं पाता है, आपको उस टाइम पे नहीं देना है। जब 8-9 महीने का बच्चा जो होता है वो बैठने लग जाता है, अपने पैरों के सपोर्ट से थोड़ा सा अगर आप उसको ऐसे खड़ा करो तो खड़ा हो जाता है और हेड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, ये सही एज होती है 8-9 महीने की। आप इसमें बच्चे को वॉकर दे सकते हो। आप बच्चे को जब भी वॉकर देते हैं तो आप उसको कभी भी अकेला छोड़ के ना जाएं। और एक और चीज का मेकश्योर करिएगा कि जहां पर भी बच्चे को आपने वॉकर दिया है वहां कोई भी डेंजरस या शार्प हार्मफुल ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि बच्चा वो चलेगा तो कभी कहीं बच्चे को हार्म ना हो जाए। बच्चे को आप वॉकर पे छोड़ के जाएं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कभी आसपास स्टेयर्स ना हो। आपको ऐसा वॉकर देना है जिसमें कि प्रॉपर ब्रेक्स हो और वो इतना बड़ा हो कि आराम से मतलब दरवाजे के अंदर से निकल जाए, इस चीज का आपको मेकश्योर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी बेटी का मैं कौन सा वॉकर यूज करती हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लव लैब का सनशाइन वॉकर ही यूज करती हूँ। इसका भी एक नया मॉडल भी आया है, बहुत ही अच्छा है क्वालिटी वाइज भी, और उसके जो फीचर्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ वॉकर के बारे में। सो गाइज, ये है लव लैब का सनशाइन बेबी वॉकर, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिल जाता है। इस वॉकर का बहुत ही क्यूट कलर कॉम्बिनेशन है, देखने में बहुत ही अच्छा है और इसमें आप 15 किलो तक के बच्चों को बिठा सकते हैं। इस वॉकर की जो कुशन सीट है वो उसकी प्रिंट बहुत ही क्यूट है, साथ ही डिटैचेबल है और वॉशेबल भी है। यह वॉकर 3 लेवल हाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है, मतलब आप इसको 3 तरीके से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो बच्चे के हाइट के हिसाब से। साथ ही साथ इसमें डिटैचेबल टॉय ट्रे भी मिल जाती है जिसमें लाइट और म्यूजिक लगे हुए हैं, जो कि बच्चे को काफ़ी देर तक ये एंगेज करके रखते हैं। इस वॉकर के चारों तरफ आपको 8 व्हील्स मिल जाते हैं जो कि 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, जिससे कि बच्चा आराम से मूव कर सकता है। साथ ही इसमें 8 एंटी स्किड स्टॉपर्स दिए गए हैं, जिससे कि बच्चा सेफ रहता है और बहुत आराम से मूव कर लेता है, बच्चे को इससे गिरने का खतरा नहीं रहता है। इस वॉकर में आपको डिटैचेबल पुश हैंडल भी मिल जाता है, जिससे कि पेरेंट्स बच्चे को ले करके वॉक कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। लव लैब का ये जो सनशाइन वॉकर है, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको आपके बेबी के लिए, क्योंकि इसमें 3 हाइट एडजस्टमेंट है, साथ में सेफ्टी लॉक्स भी दिए गए हैं जो कि बहुत जरूरी है बेबी के लिए। 3 लेवल हाइट की वजह से आप इसे अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वॉकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको lovelab.com और Amazon पे मिल जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।